गाइस बाजार में जाकर 20-30 रुपए देकर के हम लोग प्लेक्ट्रम्स खरीद लेते हैं अपने प्लेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन काफी बार ऐसा होता है गाइस कि हम लोग का प्लेक्ट्रम खो जाता है हम लोग से। ठीक है गाइस, अभी तक मेरा हिसाब नहीं कितना प्लेक्ट्रम्स मैंने अपनी गिटार जर्नी में खोया है गाइस, और आप लोगों के साथ भी वैसा ही होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी वैसा ही होता है गाइस, प्लेक्ट्रम्स हम लोग से खो जाते तो हैं। गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना इन प्लेक्ट्रम्स को हम लोग घर में बनाने के लिए सीख जाएं, जिसकी मदद से हम लोग अपने खुद के प्लेक्ट्रम्स हम लोग खुद बना पाएंगे, और इससे हम लोग का काफी सारा पैसा सेव हो जाएगा गाइस, और फ्यूचर में भी हम लोग का प्लेक्ट्रम्स का कभी कमी नहीं होगी। सो गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग घर में प्लेक्ट्रम्स बना सकते हैं, अपने घर के जुगाड़ आइटम में से हम लोग कैसे गिटार पिक्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल गाइज, अभी मेरे पास दो प्लेक्ट्रम्स हैं। सबसे पहला वाला जो आप लोग देख रहे हैं येलो कलर का, वो 0.46 mm का प्लेक्ट्रम है गाइज, जिसको हम लोग रिदम के लिए यूज करते हैं। काफी बढ़िया होता है गाइज ये। सागर सर भी इसी प्लेक्ट्रम को यूज करते हैं रिदम के लिए। और जो आप लोग दूसरा वाला देख रहे हो वो 0.85 mm का प्लेक्ट्रम है गाइज, जिसको हम लोग लीड के लिए यूज करते हैं। गाइज अभी इन रेडीमेड प्लेक्ट्रम्स को हम लोग साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि हमें अपना जुगाड़ वाला प्लेक्ट्रम बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। गाइस सबसे पहले तो हमें एक ऐसे ढक्कन की जरूरत होगी जो काफी लचीला हो। आप देख सकते हो मैंने किस तरह का ढक्कन लिया है। यहाँ पे ढक्कन के थिकनेस को आप अपने प्लेक्ट्रम के हिसाब से ले सकते हो, अगर ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, हम लोग सैंडिंग करके उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक सीजर चाहिए। आप ब्लेड या फिर कोई भी नाइफ वगैरह का यूज मत कीजिए क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। उसके बाद हमें एक पेंसिल की जरूरत होगी यहाँ पे। ठीक है गाइस, अभी सबसे पहले इस ढक्कन पे हमें अपना थंब रखना है, उसके बाद हमें पेंसिल लेना है। पेंसिल से हमें अपने थंब के बगल में निशान बना लेना है ढक्कन पर। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पे पूरा विजिबल हो रहा है ये पेंसिल का दाग, आपको भी विजिबल होगा, कैमरे में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा अभी। ठीक है गाइस, मैंने बना लिया है यहाँ पे अपना निशान ढक्कन के बगल में। अभी ये स्टेप काफी इजी है गाइस, हमें सीजर उठाना है और इसको कटिंग करके निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको कटिंग करना। आप सीजर को ही यूज करें, कोई दूसरा चीज आप यूज ना करें, क्योंकि आप अगर कटर या फिर कोई और चीज का आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको अपने आपके लिए वो काफी हार्मफुल होगा गाइस। ये देखिए गाइस, मैंने इसको कटिंग करके निकाल लिया है अपने निशान के हिसाब से। देखिए गाइस, जैसा मैंने निशान लगाया था उस हिसाब से मैंने इसको रॉ कटिंग कर लिया है अभी। आप देख सकते हो इसको अभी हम लोग ये आगे वाला पार्ट और भी ज्यादा ओवल कर देंगे और नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा कर्वी कर देंगे। ठीक है गाइस, प्लेक्टम की तरह। अभी देखिए गाइस, मैंने इसको कटिंग करके थोड़ा सा फिनिशिंग दे दिया है और अभी ये थोड़ा थोड़ा प्लेक्ट्रम का लुक में आ ही रहा है गाइस, लेकिन अभी भी इसका फिनिशिंग बाकी है, कंप्लीट फिनिशिंग। अभी हम लोग इसे सैंडिंग करेंगे। अभी हमें एक ऐसे सैंडिंग स्टोन की जरूरत होगी गाइस, जिसके मदद से हम लोग इसे सैंडिंग कर पाए। अगर आपके पास सैंडिंग स्टोन नहीं है तो फिर आप सैंडिंग पेपर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास सैंडिंग पेपर भी नहीं है तो फिर आप नेल कटर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको एप्रोप्रिएट थिकनेस का ढक्कन नहीं मिला हो गाइस, तो फिर आप इसके थिकनेस को कम कर सकते हो गाइस सैंडिंग करके इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप सैंडिंग कर ले एक साइड से आपके थिकनेस के हिसाब से। इसमें मैंने जो ढक्कन लिया है गाइस वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है मेरे हिसाब से, 0.85 mm का, जिसको मैं लीड के लिए यूज करता हूँ। अभी भी हम लोग इसे सैंडिंग करेंगे गाइस, इसका जो एज है इसको हम लोग सैंडिंग करके ओवल कर लेंगे, जो शार्पनेस है उसको कम कर लेंगे, ताकि हमें स्ट्रमिंग में पिकिंग में स्ट्रिंग्स को आसानी हो। अभी देखिए गाइस, इस प्लेक्ट्रम को मैंने चारों तरफ से सैंडिंग करके बिल्कुल एक रेडीमेड प्लेक्ट्रम की तरह शक्ल दे दिया है गाइस। अभी ये प्लेक्ट्रम हम लोग का काम करने के लिए रेडी है। अभी चलिए इस प्लेक्ट्रम से हम लोग कुछ प्ले करके सुनते हैं। ये देखिए, अभी हम लोग का प्लेक्ट्रम बन के रेडी है गाइस, होममेड प्लेक्ट्रम, आप देख सकते हो। चलिए अभी इससे कुछ प्ले करके देखते हैं हम लोग गाइस। गाइस
तो गाइस काफी बढ़िया प्ले हो रहा है इस पिक से गाइस, बहुत ही बढ़िया मैं स्मूथली प्ले कर पा रहा हूं इस पिक के साथ लीड। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा गाइस, खुद मैंने प्ले करके आप लोगों को दिखाया, अभी चलिए कुछ रिदम टाइप का कुछ प्ले करके देखते हैं कि कैसा सुनता है। कैसे घर के जुगाड़ में से हम लोगों ने एक प्लेक्ट्रम बना लिया गाइस, जो कि बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है गाइस, एकदम फैक्ट्री मेड प्लेक्ट्रम्स की तरह काम कर रहा है ये। आप लोग भी घर में ऐसे ही प्लेक्ट्रम्स बना सकते हो। ओके गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स तक, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे भी आप लोगों को इसी तरीके के मजेदार वीडियोस मिलते रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।